नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिये, इजी टी प्लानर कोई देखा जाए तो छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अभी धीरे धीरे करके कंपनी बड़ा हो रहा है और इंडिया में दो ही प्रॉफिटेबल टिकट बेचने वाला कंपनी है। और प्रॉफिटेबल दो कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी मुझे देखने को मिलता है वो है आरएसटीसी और दूसरा जो है वो है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर बहुत सारे नए होटल्स जो है वो बहुत जगह पे बनाना भी स्टार्ट किया है, तो इसका एक अलग बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग का जो बिजनेस है, जो एक जगह से दूसरे जगह जो फ्लाइट आप टिकट बुक कराते हैं तो उसके ऊपर उस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू अभी जनरेट होता हुआ देखने को मिले। तो देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है वो देखा जाए तो धीरे धीरे करके अच्छा खासा लेवल में ग्रोथ हो रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के आज इतना बड़ा फॉल देखने को मिला तो कंपनी बेकार हो गया, उसके लिए भी बता दूं कंपनी के ऊपर कोई भी बेकार सिचुएशन नहीं है। कंपनी के ऊपर आज भी देखा जाए तो कंपनी के जो आरओसी एंड आरओई है वो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और डेप्थ के मामले में कंपनी के डेप्थ नाक के बराबर है और इनकम भी जबरदस्त है और प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो सेल्स के मामले में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो 44 करोड़, 86 करोड़, उसके बाद 130 करोड़, उसके बाद 129 करोड़, तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 22 करोड़ से 40 करोड़ बना, उसके बाद 45 करोड़ बना, उसके बाद 50 करोड़ बना। तो आपको क्या देख के लग रहा होगा कि कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी हर साल में टाइम टू टाइम टैक्स को पेमेंट करने के बाद, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद, सेल्स को बढ़ाने के बाद जो प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, वो कंपनी के ऊपर डरना नहीं चाहिए। क्योंकि वो कंपनी आपको आज शायद कुछ खास परफॉर्मेंस ना देखे, जब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे तो वो रुकेगा नहीं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आप जानते हैं? वो है कंपनी का रिजर्व, जो एक टाइम 3 करोड़ था, आज 430 करोड़ के ऊपर बन चुके हैं। और बोरिंग्स जो एक टाइम सिर्फ 1 करोड़ था वो बढ़ के 116 करोड़ है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर 116 करोड़ क्या कंपनी मिटा सकते हैं? अगर कल ही बोला जाए कि मेरा पैसा वापस करो जिसने उनको लोन दिया, तो क्या वो लोन को मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। आप ये भी देख लीजिए कैश इक्विपमेंट कितना है, 118 करोड़। मतलब कंपनी के हाथ में जितना पैसा है और उतना ही कंपनी का कर्जा है, तो इजिली वो खुद के कैश को वहां पे पेमेंट कर सकता है। तो डर तब लगता है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है तब डर लगेगा, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो डर लगने का कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी इस कंपनी के ऊपर, इजी टी प्लानर के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए उतना खास इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा टाइम्स प्रोमोटर और पब्लिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी होगा कि कंपनी के ऊपर तो इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर क्या रिस्क लेने का ठीक होगा? देखिए, इंस्टीट्यूशन नहीं है क्यों? क्योंकि कंपनी अभी भी स्मॉल कैप टाइप है। कंपनी जब तक लार्ज कैप ना, मतलब मिड कैप ना बने, तब तक इस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करने से मतलब इंस्टीट्यूशन निवेश करने से पहले 2-3 बार जरूर सोच लेंगे। तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन सोचे ना सोचे, मैं तो सोच लिया हूँ कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना है, तो इसलिए मेरे पास एक खुद का एक ट्रेड बना है। वो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया, मैंने इस जगह पे रिटेस्ट जब किया उसके बाद एंट्री लिया। और अभी देखिए, मेरे एंट्री लेने के बाद छोटा मोटा लॉसेस चल रहा है, कोई बात नहीं, एंट्री लेने के बाद ही वो टारगेट देंगे ऐसे होगा नहीं। ऐसे आप सोचकर मार्केट में आए हैं तो मेरे हिसाब से काम ना करना ही बेटर होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर वहां से रिवर्सल हुआ जो कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। क्योंकि यही रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन से कंपनी के ऊपर एक फॉल तो दिखेगा, क्योंकि यही लेवल को टच करने के बाद वो नीचे आए थे, फिर से वही लेवल को टच करने के बाद नीचे आ रहे हैं। मतलब ये लेवल बहुत स्ट्रांग है और इस लेवल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी एक क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स भी यहाँ पे बना है, मतलब दो तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो पैटर्न मुझे टारगेट देने के लिए वो तैयारी कर रहा है। बाकी कब टारगेट देगा, कब ब्रेकआउट होगा वो तो मुझे पता नहीं, तो जब टारगेट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कब ब्रेकआउट होगा और कब मुझे एंट्री मिलेगा, तो फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं, ब्रेकआउट का एंट्री भी मिल चुके हैं और मैंने
जो टेल लिया, मैं आपके साथ ये भी शेयर किया कि लंबा सा एक जर्नी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले एक पैटर्न बना था कफ विद हाइपरटेंस का, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंटी लिया और उसके बाद देखिए टारगेट को अचीव किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न बने तो सबसे पहले उस पैटर्न को मार्किंग कर लेना। तो यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली वो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किस तरीके से किए आप देखेंगे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया, इस जगह पे रीटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए मजेदार बात यही है कि कंपनी इस जगह पे जब रीटेस्ट किया उसके बाद ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसको टाइम लगेगा, क्योंकि जो एंटी हुआ है 152 के आसपास, मेरा एक्चुअली मेरा एंटी हुआ है 150 के आसपास और जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 210 के आसपास। तो ये जर्नी बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि लंबा जर्नी है और कुछ भी हो सकता है, शायद दो तीन मंथ के अंदर ही टारगेट हो जाए, चाहे कंपनी एक साल भी लगा दे। अगर एक साल भी लग गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो रिटर्न यहाँ पे बन के आ रहा है करीबन 43%। तो कहने का मतलब है, अगर सही कंपनी के ऊपर सही टाइम में सही दिशा में अगर आपने निवेश किया है तो उस कंपनी आपको अच्छा खासा मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरे सारे पॉइंट्स मैं अपने आपके सामने रख चुका हूँ, किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके एक ही रेंज के अंदर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। हाँ, बोल सकते हैं कंपनी का अभी प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि कंपनी पिछले साल और पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का प्रॉफिट इस बार पॉजिटिव भी आया, और अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूँ तो कंपनी फर्स्ट टाइम लॉस किया है बहुत दिनों के बाद, कोविड के बाद फर्स्ट टाइम पहले कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। कोविड से पहले 2017 में लॉसेस हुआ था, उसके बाद फिर से कंपनी लॉसेस, एक्चुअली लॉसेस नहीं है, अभी भी क्वार्टर बाकी है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो इस कंपनी के ऊपर फिर से प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा होल्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास, म्यूचुअल फंड के पास 10% और एफएस के पास करीबन 20% के आसपास होल्डिंग सबको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग सबको देखने को मिले, बेस्ट तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, जिसके चलते एक लगातार एक अच्छा खासा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। देखिए मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर मेरा एक ट्रेड है, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, एक कफ विद हैंड पैटर्न बना। आपको इस पैटर्न को आप शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बोल सकते हैं। जब भी इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद इस ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट भी कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए ऊपर गया, नीचे आए, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, मतलब कंफर्मेशन होने के बाद रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है वो इजीली इस लेवल को टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम वो लेंगे ही। तो बाकी कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक टारगेट मिले 80 रुपोज तक गए तो मुझे 28% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो टारगेट कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मैंने टारगेट किस बेसिस में लिया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सबसे पहले दिखा दूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स है वो 14% और जो इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 11%। तो अलग लेवल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। पिछले साल में जो सेल्स हुआ था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का सेल्स बढ़ा, पिछले सालों से तुलना से कंपनी का अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 170 करोड़ से 150 करोड़, 106 करोड़ और 168 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी के ऊपर कफ विद हैंड पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद वो रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर ऊपर गया, इस लेवल तक गए, तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।